नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आयुर्वेदा ATM में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दाद, खाज, खुजली आदि गंभीर समस्याओं से हम कैसे घरेलू नुस्खों की सहायता से ठीक करें। अगर एक परिवार में एक व्यक्ति को हो जाए तो वो पूरे व्यक्ति को पकड़ लेता है। दोस्तों जिस व्यक्ति को दाद, खाज, खुजली होता है उसे अपने ही कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और उस व्यक्ति के कपड़ों को किसी और को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इलाज करवा करवा के अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद कर चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक ऐसे रेमेडी बताऊंगा जिसकी सहायता से आप अपने दाद, खाज, खुजली आदि गंभीर समस्या से बहुत ही जल्द छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बगल में आए बेल घंटे को भी दबा दे ताकि मेरी कोई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना रेमेडी। दोस्तों इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी दोस्तों मटर की। दोस्तों ये मटर नजदीक के सब्जी बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। दोस्तों एक कली उठा लेंगे मटर का और इस मटर को हम ऐसे छील लेंगे। दोस्तों ये बहुत ही आसानी से छील जाता है। दोस्तों इस मटर में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो कि हमारे दाद, खाज, खुजली आदि जैसी गंभीर समस्याओं को कम करने में बहुत ही अच्छी तरह से मदद करते हैं। तो दोस्तों हम ऐसे इस मटर को निकाल लेंगे, उसके बाद से हम इसको ग्राइंडर की सहायता से पीस लेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले से ही पीस के तैयार किया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप पीस लेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही नजर आएगा। दोस्तों इसमें और दो इंग्रेडिएंट मिलाने हैं। दोस्तों इसमें अगला इंग्रेडिएंट है वो है दोस्तों कपूर। दोस्तों ये वही कपूर है जो हम पूजा घरों में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हम इस कपूर की पाउडर बना के इसी मटर के पेस्ट में ऐड कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले से ही इस कपूर का पाउडर बना के तैयार किया हुआ है। दोस्तों ध्यान रहे आपको यहाँ पे एक ही कपूर ऐड करना है। दोस्तों इसमें मैंने ऐड कर दिया कपूर। दोस्तों इसके बाद से हम इसमें अगला इंग्रेडिएंट मिलाएंगे वो है दोस्तों हल्दी पाउडर। दोस्तों हल्दी पाउडर में एंटीबैक्टीरियल पावर होता है जो कि हमारे दाद, खाज, खुजली के ऊपर से जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें ये मार गिराने में मदद करता है। दोस्तों हम यहाँ पे ले लेते हैं आधी चम्मच की मात्रा में हल्दी पाउडर। दोस्तों ये हल्दी पाउडर आपके किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों इसमें मैंने तीनों इंग्रेडिएंट मिला लिया है, अब हम इसको अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों चलिए जान लेते हैं हम प्रयोग करने की विधि। दोस्तों हमें इसका प्रयोग अपने दाद, खाज, खुजली वाले जगह पे करना है। दोस्तों इस नुस्खे का प्रयोग हमें दिन में दो बार करना है, एक सुबह और दूसरा रात को सोते टाइम। अगर आप इस नुस्खे को आप अपने दाद, खाज, खुजली वाले जगह पर लगाते हैं तो आपको बहुत ही जल्द मात्र एक से दो दिन में आपको आराम मिल जाएगा। दोस्तों ध्यान रहे आपको जिस भी जगह पर इस पेस्ट को प्रयोग करना है सबसे पहले उसको पानी की सहायता से बहुत ही अच्छी तरह से धो लेंगे। दोस्तों धोने के बाद से एक कपड़े की सहायता से हम उसको पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद से हम इस पेस्ट का यूज करेंगे। दोस्तों अगर आप इस पेस्ट का यूज मात्र एक से दो दिन करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।